हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे एक नंबर से दो फ़ोन में व्हाट्सअप चला सकते हो। मतलब नंबर एक ही होगा लेकिन दो व्हाट्सअप आप उस एक ही नंबर से चला पाओगे। सेम टाइम पर दोनों व्हाट्सअप वर्क करेगा, किसी भी फ़ोन से लॉग आउट नहीं होगा। काफ़ी आसान तरीका है, वैसे तो कई तरीके हैं बट मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। वीडियो अंत तक देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यह मेरा मेन व्हाट्सअप है जो कि मेरे नंबर से बना हुआ है। अब मैं इसी सेम व्हाट्सअप को दूसरे फ़ोन में भी चलाकर दिखाऊंगा। और इसमें क्या है, मतलब एक ही टाइम पर दोनों फ़ोन में वर्क करेगा, ऐसा नहीं है कि एक फ़ोन से लॉग आउट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको देखिए दूसरा फ़ोन लेना है, उसमें एक फ्रेंड्स व्हाट्सअप आपको होना चाहिए। अगर मान लीजिए उसमें पहले से आपका कोई अकाउंट है तो आप डुअल ऐप से एक व्हाट्सअप बना लीजिए, उसमें आप इसे यूज कर सकते हो, आप मेन में भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ देखिए साइड में हमने दूसरा व्हाट्सअप ओपन कर लिया है दूसरे फ़ोन में। अब आपको नीचे एग्री एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद ऊपर आपको तीन डॉट देखने को मिलते हैं, यहाँ आप क्लिक करिएगा। यहाँ देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक एज कंपेनियन डिवाइस का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे एक क्यूआर कोड आपको शो होगा। अब आपको क्या करना है, जो आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है इस वाले व्हाट्सअप में आपको तीन डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है लिंक डिवाइस नाम से, तीन नंबर पे आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद लिंक के डिवाइस का ऑप्शन आपको शो होगा, आप यहाँ क्लिक करिएगा और यूज़ मोबाइल डेटा पर क्लिक करके अपना पासवर्ड दे दीजिएगा। पासवर्ड देने के बाद आपको ओके करने को बोलेगा और ओके करते ही आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। अब जो क्यूआर कोड दूसरे फ़ोन में दिखा रहा है यह क्यूआर कोड आपको इससे स्कैन कर देना है, मतलब फ़ोन के सामने आप ले जाओगे तो ऑटोमेटिक स्कैन कर देगा। देखिए हमने जैसे ही फ़ोन के सामने लाया इस क्यूआर को, यह ऑटोमेटिक जो है वो स्कैन करना स्टार्ट कर दिया है। और साइड में आप देख सकते हो दूसरे फ़ोन में यह जो व्हाट्सअप है वो स्टार्ट हो चुका है, मतलब उसका जो प्रोसेस है बनने का वो स्टार्ट हो चुका है। अभी आप देख सकते हो सेम व्हाट्सअप जो है वो दूसरे फ़ोन में आ चुका है। देखिए यही वो व्हाट्सअप है जो यहाँ पर है, वही व्हाट्सअप यहाँ पर भी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देख सकते हो आप दोनों फ़ोन में सेम टाइम पे व्हाट्सअप जो है वो चल रहा है, बाकी सब चीज़ें सेम है, मतलब सेम ही व्हाट्सअप है, सेम ही मोबाइल नंबर से बना हुआ है और दोनों फ़ोन में चल रहा है। तो यही है तरीका एक साथ दो फ़ोन में यूज़ करने का, एक नंबर से आप दो फ़ोन में बड़ी आसानी से व्हाट्सअप चला सकते हो। इसके अलावा अगर आप ऐप में नहीं करना चाहते हो तो आप क्रोम ब्राउज़र में भी कर सकते हो, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप वेब लिखकर सर्च करना होगा। आप उस वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट पर ओपन करके यही सेम काम वहाँ भी कर सकते हो, वहाँ पर आप मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।